वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं कहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील अपने बेटे आसिम जमील की मौत के बाद मदीना पहुँच गए। मदीना में उनके बहुत सारे यार दोस्त और बहुत सारे ऐसे लोग बुज़ुर्ग जो उनके उस्ताद साहब, ख़ास तौर पर उनके उस्ताद, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनकी उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने मौलाना तारिक जमील की बहुत बड़ी मेज़बानी की मदीना में। और मौलाना तारिक जमील अपने उस्ताद के साथ बैठ कर अपने आसिम जमील, अपने बेटे आसिम जमील का गम उनके सामने पेश कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ मौलाना तारिक जमील रोने लग गए थे अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर। कहने लगे कि मेरा बेटा आसिम जमील चला गया इस दुनिया से, तब से लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं कि उस्ताद आप मुझे कोई ऐसा वाकया, ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मेरे दिल को हौसला मिले। तो मौलाना तारिक जमील के उस्ताद ने आसिम जमील के वालिद मौलाना तारिक जमील को कहा कि तुम गम ना करो कि ये लोग बस ऐसे ही हैं, तुम बस सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो। तारिक जमील अपने एक ट्वीट में उन्होंने एक पोस्ट जारी की, उन्होंने कहा कि जब से मैं मदीना मदरा में आया हूँ मुझे बहुत सारा अफसुदा हुआ है, कि मैं बहुत सारा हौसला हुआ है, मुझे खुशी हुई है कि मुझे मौलाना तारिक जमील अपने बेटे आसिम जमील की मौत भी मुझसे इस टाइम भूल चुकी है, कि मुझे गम नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइम दिल को सुकून मिल गया कि मुझे कितने चार एक मौत एक महीना हो गया और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। तो मौलाना तारिक जमील अपनी बीवी के साथ वहाँ मदीना मनोरमा में किया, उसके बाद मौलाना तारिक जमील अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकात की। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को